गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम एग्रीकल्चर में फिर से लेकर के आए हैं आयल सीड्स, यानी कि तेलहन वाले क्षेत्र। कहाँ कहाँ पे तेलहन उगाया जाता है, यानी कि तेल वाले जो पौधे होते हैं उनको कहाँ कहाँ पर बोया जाता है, कौन कौन से होते हैं, तो ये देखते हैं। इन 2015 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। यानी 2015 में भारत क्या था, वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, यानी कि मूंगफली के मामले में भारत चीन के बाद पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर था। यानी कि चीन में सबसे ज्यादा ग्राउंड नट होती थी, इसके बाद भारत में। इट इन रैपेस्ट प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2015। ठीक है, इट रिप रैपेस्ट प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड, यानी कि इंडिया क्या थी कि ग्राउंड नट या दालों के मामले में, सॉरी तिलहन के मामले में 2015 में कनाडा और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे था। डिफरेंट ऑयल सीड्स, विभिन्न प्रकार के तिलहन वाले बीज आर ग्रोन कवरिंग 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री, यानी कि पूरे देश की, ठीक है, यानी कि 12% डिफरेंट ऑयल सीड, यानी ग्रोन 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक है, देश की 12%, यानी कि जितनी खेती होती थी उसमें से टोटल क्रॉप फसलों की खेती में 12% एरिया जो था वो तेलहन वाले क्षेत्रों का होता था। मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर, यानी कि भारत में कौन कौन से मेन तेलहन वाले बीज थे, जिसमें आपका ग्राउंड नट हो गया, मूंगफली, मस्टर्ड, सरसों, कोकोनट, नारियल, ठीक है, शीशम, सीसमम, तिल, सोयाबीन, कस्टर्ड, अरंडी होता था, कॉटन सीड्स, बिनौला, लिंस, अलसी एंड सनफ्लावर और सूरजमुखी, यानी इन सारे प्लांट्स को हम लगाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल, यानी इनमें से कुछ सौंदर्य प्रसाधन के रूप में और कुछ कुकिंग मीडियम में यूज किए जाते हैं। हाउ एवर, इस प्रकार सम ऑफ दीज आर ऑल्सो यूज टू रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, इनमें से कुछ प्रोडक्शन ऑफ सोप, सोप के उत्पादन में, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट, यानी मेडिकल मेडिसिन क्षेत्र में भी, और कॉस्मेटिक और प्रसाधन के क्षेत्र में, यानी कि श्रृंगार वगैरह के क्षेत्र में भी इसमें से कुछ तेलों का यूज किया जाता है। जस्ट लाइक जैसे आपके सनफ्लावर हो गया, कोकोनट हो गया, तिल हो गया ना। ग्राउंड नट इज ए खरीफ क्रॉप, ग्राउंड नट क्या है, खरीफ क्रॉप है, खरीफ की फसल है, एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन द कंट्री। गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, गुजरात क्या है, मूंगफली के मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यानी कि बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु इन 2015-16। लिंस्ड, तीसी एंड मस्टर्ड, सरसों आर रबी क्रॉप्स, तीसी और सरसों की जो फसलें हैं इसको हम रबी क्रॉप्स में उगाते हैं। सीसम इज खरीफ क्रॉप, तिल क्या है, खरीफ क्रॉप है, तिल जैसा कि बहुत सारे लोग बोते हैं बरसात के सीजन में, इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया, यानी कि तिल जो है वो खरीफ क्रॉप, यानी उत्तरी भारत में इसको खरीफ में बोया जाता है और दक्षिणी भारत में इसे रबी में बोया जाता है, यानी एक ही फसल को दोनों सीजन में उगा सकते हैं। कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप, कैस्टर सीड जो है, अरंडी जो हमारा है, इसको हम खरीफ और रबी दोनों सीजन में उगा सकते हैं। अब देखिए टी, टी क्या है, चाय। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी कि चाय जो है ये रोपण का माध्यम है, यानी कि इसकी रोपाई होती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशली बाय द ब्रिटिश, यानी कि चाय को भारत में अंग्रेजों के द्वारा लाया गया, तो अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी चाय यहाँ पे छोड़ गए, जिसको हम आज आप लोग इसको प्रोड्यूसिंग करते हैं और प्रोड्यूसर भी लेते हैं। टूडे आज मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाई इंडियंस, यानी कि आज क्या है कि भारत में कई भारतीय जो हैं वो चाय बागान के मालिक हैं। द टी प्लांट्स ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, अब टी प्लांट्स जो है वो कहाँ पे उगाया जाता है, ट्रॉपिकल क्षेत्र में एंड सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में उगाया जाता है। अब देखिए इसको उगाने के लिए क्या चाहिए, इंडोर्ड विथ डीप, गहरी एंड फर्टाइल, ठीक है, गहरी एंड
एंडोर्ड विथ डीप, गहरी और फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल, यानी कि गहरी और उर्वरक मिट्टी में इसको पाया जाता है। रिच इन ह्यूमस, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर अधिक से अधिक पाया जाए। टी बूशेस, चाय की झाड़ियों, रिक्वायर वार्म एंड मॉस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, ठीक है, ऑल थ्रू द ईयर, यानी कि पूरे साल इसको क्या चाहिए, वार्म एंड मॉस्ट फ्रॉस्ट फ्री, यानी कि पाला रहित क्लाइमेट हमें चाहिए। फ्रीक्वेंट सॉवर्स, ठीक है, यानी कि पानी की बौछारें, इवन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स, यानी कि पानी की जो बौछारें होती हैं चाय की पत्तियों के लिए बहुत लाभदायक होती है। टी इज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, यानी कि चाय का क्षेत्र जो होता है ये सघन क्या होता है, औद्योगिक क्षेत्र होता है, यानी कि चाय द टी इज ए लेबर यानी कि श्रम इंटेंसिव इंडस्ट्री, यानी कि श्रम औद्योगिक है, यानी कि श्रम क्षेत्र में चाय होता है, यानी कि चाय को उत्पादन करने के लिए कुशल श्रमिक की जरूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स एबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर, यानी इसको क्या जरूरत होती है, चीप सस्ते और स्किल्ड और कुशल लेबर की जरूरत होती है। टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर फ्रेशनेस, मेजर टी प्रोड्यूसर्स स्टेट्स आर, यानी कि कौन कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर टी उगाया जाता है। तो देखिए इसमें आपका असम है, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, यानी दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ और जलपाईगुड़ी जिले की जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उनमें टी उगाया जाता है। वेस्ट बंगाल में टी उगाया जाता है, तमिलनाडु एंड केरला में टी उगाया जाता है। इनके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके अलावा हिमाचल प्रदेश में टी उगाया जाता है, उत्तराखंड में टी उगाया जाता है, मेघालय में, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में टी उगाया जाता है। इन 2015 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना, यानी कि 2015 में भारत था सेकेंड, यानी कि दूसरे नंबर पे था प्रोड्यूशन के मामले में चाइना के बाद, ठीक ना। तो चाइना के बाद भारत जो था वो दूसरे नंबर पे था, लेकिन इस समय भी क्या है, वो पहले नंबर पे है।